जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के थर्ड ओडीआई मुकाबले की फर्स्ट इनिंग कमाल की रही, जहां पर एक बार फिर से पंत की पावर देखने को मिली तो उनका पूरा साथ दिया हार्दिक पांड्या ने। बताते हैं दोस्तों फर्स्ट इनिंग का पूरा हाल, क्या कुछ खास मोमेंट हमें मैच के अंदर देखने को मिले, क्या आज के मुकाबले में भी किसी के बीच कुछ मतभेद यानी कि लड़ाई हुई या फिर ऐसे खाली हाथ रहे। दोस्तों महामुकाबला है, फाइनल मुकाबला थर्ड ओडीआई, जहां पर करो या मरो का मैच चल रहा है। जिस प्रकार से अगर इंग्लैंड जीती तो इंग्लैंड के पास ओडीआई ट्रॉफी चली जाएगी और इंडिया जीती तो इंडिया के कब्जे में। लेकिन इंडिया पहले ही टेस्ट T20 पर अपने दावेदारी पेश कर चुकी है, ट्रॉफी जीत चुकी है, उसके बावजूद अब नजरें ओडीआई ट्रॉफी पर हैं। लेकिन इस मुकाबले में यानी थर्ड ओडीआई के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया का टोटल लक्ष्य फर्स्ट इनिंग के दौरान 339 10 विकेट यानी ऑल आउट हो गई टीम इंडिया, और अब भी गेंदें बाकी थी दोस्तों कुल मिला के 10, क्योंकि 48वें ओवर की दूसरी गेंद तक 10 विकेट गिर चुकी थी टीम इंडिया की। आप सभी को बता दें जिस प्रकार से टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने शुरुआत करी, ओपनिंग बहुत जबरदस्त थी दोस्तों, क्योंकि ओपनिंग में आज कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से ज्यादा रनों की उम्मीद थी तो वो दोनों फ्लॉप साबित हुए। दोस्तों रोहित शर्मा ने कोशिश तो की थी, लेकिन कोशिश में एकदम बिल्कुल भी जोर आजमाइश नहीं दिखी, क्योंकि रोहित शर्मा का बल्ला थोड़ा बहुत शांत करने में कामयाब रहे आदिल रशीद। आज दोस्तों पासा उल्टा पलट गया, जहां पर हर बार विराट कोहली आदिल रशीद की गेंद पर फंसते थे, लेकिन आज के मुकाबले में टीम इंडिया ने दोस्तों कुछ बड़े बदलाव भी किए। पहले आपको बता दें दोस्तों शुरुआत से यहाँ पर हमें देखने को मिला जॉस बटलर विराट कोहली मैदान में आए टॉस के लिए, टॉस उछला और गिरा मेजबान के पक्ष में। टीम इंडिया एक बार फिर से टॉस हार गई, विराट कोहली की किस्मत टॉस के वक्त पता नहीं कहाँ चली जाती है। उसके बाद दोस्तों जॉस बटलर ने सभी कप्तानों की तरह जीत के फैसला लिया कि पहले गेंदबाजी का, अब पहले गेंदबाजी कर रहे थे तो दोस्तों ये बात साफ है कि वो कुछ ना कुछ बदलाव भी किए होंगे। तो हमें देखने को मिला उनके सबसे खतरनाक बॉलर मार्क वुड की एंट्री आज मैदान में हुई, और दोस्तों हम खतरनाक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने 7 ओवर कराते हुए 34 रन दिए और 3 विकेट भी झटक लिए। आपको बता दूं दोस्तों पहला ब्रेक थ्रू इन्होंने ना दिलाया हो, लेकिन बाकी का कमाल इन्होंने किया। अब जब कोहली टीम टॉस हार चुकी थी तो मैदान पर बड़ा लक्ष्य रखने का इनके ऊपर पूरा दारोमदार था। जिस प्रकार से पिछले ओडीआई मुकाबले में 336 रन बनाए थे, लेकिन 43वें ओवर की तीसरी गेंद तक टीम इंग्लैंड ने 336 को आसानी से कवर कर लिया था और 337 बना दिए थे। उसके बाद भी दोस्तों यहां पर एकदम सब कह रहे थे कि 400 रन का लक्ष्य आज के मैच में देना चाहिए, और 400 रन बन भी जाते। दोस्तों आपको बताते हैं कि रोहित शर्मा और शिखर धवन जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो शुरुआत में 14वें ओवर की चौथी गेंद तक 103 रन बन गए थे और अभी तक एक भी विकेट नहीं थी, और पहला विकेट गिरा था 103 रन पर जो था रोहित शर्मा का। 37 गेंद पर 37 रन बनाए थे रोहित शर्मा ने, बॉलर आदिल रशीद ने दोस्तों इनकी विकेट ली थी, कमाल की विकेट थी। लेकिन रोहित शर्मा भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, ये पहली विकेट गिरी थी टीम इंडिया की। 100वें रन पर दोस्तों पहली विकेट आई थी, यहाँ पर कह सकते हैं अच्छी ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद विराट कोहली से उम्मीद थी कि इस ओपनिंग को बिल्कुल जारी रखें, जो रन रेट बना हुआ है 7-8 रन का उसको बरकरार रखें। लेकिन विराट कोहली से जो उम्मीद रखी उस पर पूरी तरीके से नहीं खड़े उतर पाए, जहां सेंचुरी की उम्मीद थी तो वहीं 7 रन बना के पवेलियन वापस लौट गए। भले ही आदिल रशीद की गेंद पर ना फंसे हों, लेकिन मोइन अली ने इनको अपना शिकार बना लिया। दोस्तों जब से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम ने आदिल रशीद जैसे खतरनाक खिलाड़ी के अलावा मोइन अली को अपनी टीम से निकाला है, तब से मोइन अली लगातार टेस्ट T20 और ODI इन सब फॉर्मेट में काफ़ी दुख दे रहे हैं विराट कोहली को। हमने देखा दोस्तों किस प्रकार से पहले आदिल रशीद विराट कोहली के पीछे पड़े थे, अब मोइन अली। लेकिन जब विराट कोहली आउट हुए तो दोस्तों यहां पर टीम इंडिया के सभी फैंस को दिल के ठंडक इसलिए मिली क्योंकि ऋषभ पंत मैदान पर आए। अब ऋषभ पंत का फॉर्म किस प्रकार से चल रहा है आप सब जानते होंगे। पिछले मुकाबले में दोस्तों पंत ने 40 गेंदों पर 77 रन की पारी खेली थी, आज के मुकाबले में भी दोस्तों पंत ने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन बार बार वही बात सामने आती है कि ऋषभ पंत अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाते। दोस्तों ये एक ऐसे खिलाड़ी बन सकते हैं जो डबल सेंचुरी लगा सकते हैं ओडीआई मुकाबले में, क्योंकि 40 गेंदों पर अगर 77 रन मार देते हैं तो उससे आगे भी बहुत जा सकते हैं। आज के मुकाबले में भी 68 गेंदों पर 78 रन की पारी खेली, लेकिन बॉलर सैम करन ने बहुत अच्छी गेंद कराई, कैच पकड़ ली पीछे खड़े विकेटकीपर कप्तान जॉस बटलर ने। अब यहाँ पर दोस्तों विकेट तो गिर गया था, लेकिन उससे पहले शिखर धवन का विकेट गया था 16वें ओवर की चौथी गेंद पर। 56 गेंदों पर 67 रन की पारी शिखर धवन ने खेली थी, इनका भी शिकार बनाया आदिल रशीद ने। ओपनिंग को तो आदिल रशीद ले गए। दोस्तों टीम इंडिया जहाँ तेज गेंदबाजों के भरोसे पर खेल रही है, तो वहीं स्पिन गेंदबाजी की तरफ से इंग्लैंड ने कमाल कर दिया। इंग्लैंड की तरफ से स्पिन गेंदबाजी में दोस्तों बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई, क्योंकि आदिल रशीद ने 2 विकेट लिए तो वहीं मोइन अली के नाम भी 1 विकेट रहा। तो टीम इंडिया आज एक भी
स्पिनर को नहीं खिला रही। पिछले मैच में कुलदीप यादव खेल रहे थे लेकिन आज उनकी जगह नटराजन की वापसी कराई गई। तो पिछले मुकाबले में टॉम करन खेल रहे थे इंग्लैंड से, उनकी जगह मार्क वुड की वापसी कराई गई। अब यहाँ पे हमें देखने को मिला दोस्तों जिस प्रकार से ऋषभ पंत की पारी रही उससे काफ़ी बूस्ट मिला था, लेकिन केएल राहुल को भी आज दोस्तों मौका मिला एक अच्छी पारी खेलने का, लेकिन 18 गेंदों पर ये भी 7 ही रन बना पाए और आज टीम को मझदार में छोड़ गए। जब नॉकआउट मुकाबला है तो सारे बड़े बड़े खिलाड़ी बहुत जल्दी आउट हो गए दोस्तों। जहाँ 103 रन पर पहला विकेट गिरा था तो जो चौथा विकेट गिरा था वो था 157 रन के अंदर, यानी 50 रन के अंदर ही टीम इंडिया के 4 विकेट गिर चुके थे रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, केएल राहुल के रूप में। अब ये दोस्तों कितने महान बल्लेबाज हैं इनके गुणगान करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर युवा खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। ऋषभ पंत हम इनको युवा बोलते हैं लेकिन टीम इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस, सबसे तेज तर्रार खिलाड़ी अब यही लगते हैं क्योंकि ऋषभ पंत ने अपने छोर को संभाले रखा हार्दिक पांड्या के साथ। दोस्तों ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या जब भी बल्लेबाजी करते हैं तो उनकी पारी में एक चीज़ कमाल की देखने को मिलती है कि ये चौके से ज़्यादा छक्के लगाने में विश्वास रखते हैं। चौके और छक्के में इनके लिए कोई डिफरेंस है ही नहीं। ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या में एक रेस चल रही थी कि कौन ज़्यादा चौके मारेगा, कौन ज़्यादा छक्के मारेगा। तो ऋषभ पंत ने 5 चौके मारे, 4 छक्के लगाए, तो हार्दिक पांड्या ने भी 5 चौके मारे, 4 छक्के लगाए। हार्दिक पांड्या ने 44 गेंद पर 64 रन बनाए। दोस्तों आपको बता दें जब केएल राहुल का विकेट गिरा तो टीम इंडिया का स्कोर 157 था, लेकिन उसके बाद इन दोनों के बीच 100 रन के करीब करीब पार्टनरशिप हो ही गई थी क्योंकि उसके बाद 157 के बाद 256 पे 5वां विकेट गिरा था टीम इंडिया का, जो गिरा था ऋषभ पंत के रूप में। तब ओवर हो गए थे, 35वें ओवर की 6ठी गेंद थी, यानी कि सिर्फ 10 ओवर के अंदर इन दोनों खिलाड़ियों ने 100 रन बना दिए थे। बहुत तेज़ी से बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों ये, लेकिन यहाँ पर जब ऋषभ पंत का विकेट गिरा तो जो रनों की रफ्तार थी उस पर रोक लग गई, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े हार्दिक पांड्या जानते थे अपना काम क्या करना है क्योंकि उनके भाई कर्नल पांड्या ने मैदान पर कदम रखा। अब जैसे ही उन्होंने कदम रखा तो दोनों ने रणनीति साफ कर ली कि हार्दिक पांड्या जमकर बल्ला चलाएंगे, कर्नल पांड्या दूसरा छोर संभालेंगे। जब हार्दिक पांड्या आउट होंगे तो कर्नल पांड्या बल्ला चलाएंगे, सामने वाला कोई और छोर संभालेगा। लेकिन यहाँ पर हार्दिक पांड्या का विकेट जब बॉलर बैन स्टोक ने ले लिया उसके बाद टीम पूरी तरीके से बिखर गई क्योंकि यहाँ पर कर्नल पांड्या और शार्दुल ठाकुर के बीच एक ऐसी पार्टनरशिप पनपी जो सही थी दोस्तों, उस मोमेंट पर काफ़ी सही थी। टीम इंडिया का स्कोर एक समय पर लग रहा था 360 तक जाएगा, लेकिन कर्नल पांड्या और शार्दुल ठाकुर की पारी में थोड़ी बहुत गेंदबाजों ने सारी मिलावट कर दी दोस्तों। यहां पर अब काम करा अपना बॉलर मार्क वुड ने, जैसा टीम इंडिया की तरफ से शार्दुल ठाकुर काम करते हैं वैसे ही मार्क वुड ने अपना काम कर दिया। मार्क वुड ने दोस्तों अच्छी गेंदबाजी करते हुए जिस प्रकार से कर्नल पांड्या और शार्दुल ठाकुर के बीच जो पार्टनरशिप पनप रही थी उसको ब्रेक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, शार्दुल ठाकुर की विकेट 21 गेंदों पर 30 रन की पारी खेल रहे थे, 142 का स्ट्राइक रेट था, 3 छक्के 1 चौके लगा चुके थे तब इनकी विकेट ले ली थी। और कर्नल पांड्या दोस्तों 34 गेंद पर 25 ही रन बना पाए क्योंकि ये अपनी विकेट संभाल के खेल रहे थे और सामने वाले के पास लाइसेंस था बल्ला चलाने का। अब उसके बाद दोस्तों जब ये आउट हुए तो भुवनेश्वर कुमार मैदान पर आए, 5 गेंदों पर वो भी 3 रन बना पाए और रोस टोपले ने इनकी विकेट ले ली। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्ण आए, 3 ही गेंद खेल पाए थे, बॉलर मार्क वुड ने इनको चलता कर दिया, ज़्यादा देर नहीं लगाई। तो ऐसे करते हुए दोस्तों टीम इंडिया के 10 विकेट गिर गए थे। पहली विकेट आई थी 103 रन पर जब 14वां ओवर की 4थी गेंद थी और जो 10वीं विकेट आई वो 48वें ओवर की 2री गेंद पर आई। बॉलर मार्क वुड सबसे किफ़ायती गेंदबाज रहे क्योंकि 7 ओवर में 34 रन देते हुए 3 विकेट लिए। दोस्तों आप देखा जाए तो टीम इंग्लैंड की तरफ से जितने भी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, यानी कि 7 गेंदबाजों ने, सबने एक एक विकेट तो अपने नाम करा ही। सैम करन के नाम एक विकेट रहा और रिश टॉपली के नाम एक विकेट रहा, मार्क वुड ने 3 विकेट लिए, बैन स्टोक ने एक विकेट लिया, आदिल रशीद ने 2 विकेट लिए, मोइन अली ने एक विकेट लिया, लियाम लिविंगस्टोन जो बल्लेबाजी करते हैं वैसे अपना दूसरा ही मुकाबला खेल रहे हैं करियर का, उन्होंने भी एक विकेट ले ही लिया। तो पहली पारी इंग्लैंड के नाम रही कह सकते हैं क्योंकि टीम इंडिया ने 330 ही रन बनाए हैं दोस्तों। अब टारगेट के लिए जो रखा है 329 वैसे तो बनाए हैं, लेकिन 329 को किस प्रकार से टीम इंग्लैंड किस रणनीति के साथ चेस करती है क्योंकि पिछले मुकाबले में जॉनी बेस्टो और बैन स्टोक के बीच जो पारी पनपी थी उससे टीम इंग्लैंड बहुत तेज़ी से रन को कवर करी थी। जॉस बटलर 0 पर आउट हो गए तो वो भी किफ़ायती रहा था टीम इंडिया के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब यहाँ पर फिर भी टीम इंडिया के 50 से 60 रन कम बने हैं जो एकदम प्रोजेक्टेड स्कोर से दिख रहा था। अगर 10-12 रन के हिसाब से लास्ट के 10 ओवर में रन बनते कह सकते हैं कि शुरुआत बहुत अच्छी थी, 30 ओवर तक 200 रन बन गए थे। उसके बाद दोस्तों 20 ओवर में बहुत रन बन जाते, अगर शुरुआत के जो ओपनर थे वो अगर बहुत देर तक टिक जाते तो लास्ट में पंत और हार्दिक पांड्या दोस्तों कोई भी लक्ष्य को बहुत बड़ा करने के लिए कर सकते हैं काम। अगर 300 रन पे टीम इंडिया के 4 विकेट रहते हैं और हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत मौजूद हैं और उसके बाद भी अगर 6 से 7 ओवर बचे हैं तो दोस्तों वो 300 को 370-380 में तब्दील कर सकते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों पर टीम इंडिया की मैनेजमेंट टीम को पूरा भरोसा है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि अब क्या होता है इस पूरे मुकाबले में। पूरे मुकाबले की हाईलाइट के साथ दोस्तों हम हाजिर होंगे और यही थी फर्स्ट इनिंग की हाईलाइट। धन्यवाद दोस्तों।